तो हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं विशाल। और क्या हालचाल, आयो क्या सभी बढ़िया होंगे और एकदम मजे में होंगे। तो गाइस यार, आज के वीडियो में मैं आपको अंडर 3000 में तीन ऐसे क्वाड स्केट्स बताने वाला हूं जो कि आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं, और अंडर 3000 में इनकी जो क्वालिटी है वो भी बेस्ट रहने वाली है। तो आज मैं आपको वही बताने वाला हूं। वैसे तो और भी क्वाड स्केट्स थे, लेकिन उनकी मुझे क्वालिटी वगैरह कुछ खास लगी नहीं, और उनकी क्वालिटी वगैरह सही से मेंशन भी नहीं की हुई थी। तो जो जो मुझे सही लगे हैं वही मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो चलिए बिना देरी किए मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से वो क्वाड स्केट्स है जो कि आप अंडर 3000 में परचेस कर सकते हैं, और उसके लिए मुझे आपको मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर ले जाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर और देखते हैं कौन कौन से क्वाड स्केट्स है। तो देखो गाइस, अभी मैं आ चुका हूँ मेरी मोबाइल की स्क्रीन पर, और तीसरे नंबर पर जो क्वाड स्केट आता है वो है जेजे जोनेक्स का फिक्स बॉडी क्वाड स्केट, और इसके टाइटल में भी लिखा हुआ है सुपर प्रोफेशनल पीयू व्हील्स, और साथ ही साथ आपको एक बैग भी देखने को मिल जाएगा इसमें। आप देख सकते हैं इधर जेजे जोनेक्स के ब्रांड वाला बैग भी आपको देखने को मिल जाएगा, और ये जूनियर वाले स्केट्स हैं, सीनियर वाले नहीं हैं। और इसकी जो प्राइस है वो है 2599 रुपये हैं, और यहाँ से आप साइजेस वगैरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं आपके हिसाब से। यहाँ पर यूके में भी लिखा हुआ है और सेंटीमीटर्स में भी लिखा हुआ है, तो आपके हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसकी डिस्क्रिप्शन में जाकर देखें, नीचे और डिटेल्स जाकर देखें, तो यहाँ पर आपको ब्रांड देखने को मिल जाता है जेजे जोनेक्स का, और पीयू मटेरियल है, और सोल मटेरियल इसका लाइलोन का है, और बाकी तो साइजेस वगैरह लिखा हुआ है जो आप चूज कर सकते हैं अलग से। और इसके और डिटेल में जाकर देखें तो यहाँ पर ग्रेट फॉर रेसिंग एंड कॉम्पिटिशन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कन्फर्म हो जाता है कि यह रेसिंग व्हील्स ही है। और यहाँ पर ट्रू साइज श्योर फिट लिखा हुआ है, मतलब आप फिक्स साइज आप ले सकते हैं, ये भी है। और किट कम्फर्ट भी लिखा हुआ है, और स्मूथ राइड है। यहाँ पर आपको 62mm के पीयू व्हील्स देखने को मिल जाते हैं, और 78A हार्डनेस के व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। तो हार्डनेस और भी कम है, मेरे जो क्वाड स्केट के व्हील है उससे भी कम हार्डनेस के हैं, तो इसकी स्पीड और भी ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन इसका जो साइज़ है वो थोड़ा छोटा है, मेरे 65mm के हैं, तो ये 62mm के साइज़ छोटा है और हार्डनेस कम है, तो फिर सेम स्पीड रहेगी जो मेरे क्वाड स्केट है सेम रहने वाली है। यहाँ पर आपको 627ZZ बेरिंग्स देखने को मिल जाते हैं, तो यहाँ पर एवेक्स 7 नहीं है, लेकिन यही रहते हैं क्वाड स्केट के, कुछ इसी टाइप के रहते हैं। तो कुछ यही डिटेल्स है इसकी पूरी, इस स्केट की इस प्राइस रेंज में। ये बेस्ट तो नहीं कह सकता हूँ, इससे भी बेस्ट है वो आपको आगे दिखेंगे, इसलिए हमने आपको इसको तीसरे नंबर पर रखकर बताया है, तो इतने भी बेस्ट नहीं है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वाले स्केट पर, कौन सा है देखते हैं। तो गाइस अब आता है हमारा दूसरा नंबर वाला क्वाड स्केट, और ये है जेस्पो के रोडस्टर है क्वाड स्केट से, और ये भी आपको बैकपैक के साथ में देखने को मिल जाता है, और सिंगल कलर है ये भी, इसमें मल्टी कलर वगैरह का ऑप्शन नहीं है। और यहाँ पर आप साइजेस वगैरह यहाँ से चूज वगैरह भी कर सकते हैं आपका साइज वगैरह, और साइज चूज करना है तो इसमें साइज चार्ट भी साथ में दिया हुआ है इमेज में, आप देख सकते हैं, यहाँ से आप सिलेक्ट वगैरह भी कर सकते हैं। तो और इसकी जो प्राइस वगैरह की बात करें तो ये है 2374 रुपये का। तो जो पहले आपको मैंने क्वाड स्केट बताया है उससे भी ये वाला बेटर है, आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि इसमें क्वालिटी भी है, वो मैं आपको बताता हूँ डिस्क्रिप्शन में जाकर और डिटेल्स में बताता हूँ तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर ऑरेंज, और ब्रांड जेस्पो का है, और पीयू व्हील्स है, और यहाँ पर पॉइंट्स में भी लिखा हुआ है ग्रेट फॉर रेसिंग एंड कॉम्पिटिशन लिखा हुआ है, मतलब अच्छे व्हील्स है, स्पीड व्हील्स है, ये तो कन्फर्म हो चुका है, और सुपर क्वालिटी लिखा हुआ है, और इसका जो शू है वो अच्छी क्वालिटी के लेदर का बना हुआ है, ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है, और स्मूथ राइड है 65mm के व्हील्स के साथ में, और 80A हार्डनेस है जो कि मेरे क्वाड स्केट के से सेम हार्डनेस इनकी भी है। और इसके जो बेरिंग्स है वो सेम देखने को मिल जाते हैं जो मैंने आपको पहले बताया है, सेम बेरिंग्स इसमें भी है, और ऑल स्किल लेवल बताया हुआ है, यहाँ पर आप सभी तरह के स्टंट कर सकते हैं ऐसा ये बताया हुआ है, और ट्रू साइज ट्रू फिट भी लिखा हुआ है, और ये एडल्ट्स के लिए भी है और किड्स के लिए भी है, दोनों पहन सकते हैं ऐसा बताया हुआ है। तो यहाँ पर ये क्वालिटी जो है ये बेटर है पिछले वाले क्वाड स्केट से, और इसकी जो प्राइस है वो भी आपको बेटर देखने को मिल जाती है, इसलिए मैंने इसको दूसरे नंबर पर रखा हुआ है। तो बेस्ट क्वालिटी है इस प्राइस रेंज में, तो मुझे सही लगा ये। और दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वाड स्केट के ऊपर, और देखते हैं कौन सा क्वाड स्केट है नेक्स्ट में कौन सा आता है। तो गाइस फर्स्ट नंबर पर जो क्वाड स्केट आता है वो भी आपको जेस्पो का ही देखने को मिल जाता है, जेस्पो प्रो हाइपर क्वाड स्केट्स है, और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, सेम देखने को मिल जाता है आपको जो मैंने आपको सेकंड नंबर पर बताया क्वाड स्केट, सेम आपको डिज़ाइन वगैरह और सेम व्हील्स वगैरह भी देखने को मिल रहे होंगे, लेकिन इसकी थोड़ी प्राइस वगैरह में और इसकी क्वालिटी वगैरह में थोड़ा डिफरेंट है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप देख सकते हैं ब्लू और ब्लैक कलर में कितना कॉम्बिनेशन लग रहा है, मस्त वाला लग रहा है, और ये मेरा फेवरेट कलर है, ब्लू और ब्लैक कॉम्बिनेशन वाला कलर मुझे बहुत ही पसंद आता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मल्टी कलर में ये अवेलेबल है, आप चाहो तो रेड भी ले सकते हैं, ब्लैक भी ले सकते हैं, ग्रीन भी ले सकते हैं, जो चाहो आप ले सकते हैं आपके हिसाब से, लेकिन ये वाला कॉम्बिनेशन मुझे सही लगता है, ये मेरा ओपिनियन दे रहा हूँ आपको। अगर आप लेना चाहो तो यही लेना मेरी तरफ से, अगर
आपको सजेशन चाहिए तो। और इसके प्राइस वगैरह की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2849 रुपए में आपको ये क्वाड स्केट देखने को मिल जाते हैं, तो अच्छी प्राइस है। और इसकी क्वालिटी बताऊंगा उस हिसाब से ये प्राइस जो बढ़ी हुई है इसने वो आपको अच्छी लगेगी। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ले जाकर दिखाता हूँ कि किस तरह की इसकी क्वालिटी वगैरह है जिसके कारण इसने प्राइस वगैरह बढ़ाई हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रांड वगैरह सेम है और पीयू मटेरियल है। इसका जो व्हील साइज है वो है 65 mm का। और इसकी डिटेल्स वगैरह में जाकर देखें या पॉइंट्स वगैरह में तो ग्रेट फॉर रेसिंग एंड कॉम्पिटिशन वगैरह बताया हुआ है और ट्रू साइज श्योर फिट लिखा हुआ है, मतलब जो साइज ऑर्डर करोगे वही आपको सेम मिलेगा। और यहाँ पर किट कम्फर्ट भी लिखा हुआ है और लेदर का ही होगा, ये भी सेम ही होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मूथ राइड लिखा हुआ है और 65 mm का पीयू व्हील्स है, 80A हार्डनेस के व्हील्स है। तो सेम क्वालिटी है, जो मैंने आपको सेकंड नंबर पर क्वाड स्केट बताए हैं वो सेम क्वालिटी की है। लेकिन यहाँ पर आपको बेरिंग थोड़े अलग देखने को मिल जाते हैं, एबेक 9K हाई बेरिंग देखने को मिल जाते हैं और इसी कारण शायद इसकी प्राइस भी थोड़ी अलग है, थोड़ी बढ़ा कर दी हुई है, ज़्यादा नहीं बढ़ी है लेकिन फिर भी बढ़ा कर दी हुई है एबेक 9 के बेरिंग्स के कारण। और बाकी इसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, शू क्वालिटी वगैरह भी अच्छी होगी, इसी कारण इसने बढ़ाया हुआ है। इस प्राइस रेंज में मुझे ये क्वाड स्केट बेस्ट लगे, इसलिए मैंने इसको फर्स्ट नंबर पर रख कर ये सजेशन दिया है आपको, ताकि आप इसे ले सकें और बेस्ट क्वालिटी मुझे लगी है। तो गाइस यही 3 क्वाड स्केट थे जो मुझे अमेजोन पे अंडर 3000 में बेस्ट क्वालिटी के लगे हैं, तो आप इन्हें बेशक परचेस कर सकते हैं। और मेरा सजेशन रहेगा कि आप फर्स्ट वाला ही क्वाड स्केट लो, और अगर आपका इतना भी बजट नहीं है तो सेकेंड नंबर वाला ही लेना, क्योंकि उसकी प्राइस भी कम है और जो थर्ड नंबर वाला क्वाड स्केट है उससे भी बेटर है। और फर्स्ट वाले क्वाड स्केट में आपको एक फायदा मिल जाएगा कि अगर आप अलग अलग कलर लेना चाहते हो तो आपको अलग अलग कलर में भी अवेलेबल होगा, लेकिन अगर आपको कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता है तो आप सेकंड नंबर वाला ही क्वाड स्केट ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेरिंग्स में इतना कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, सेम ही रहने वाला है। तो आई होप गाइस कि आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपको बेस्ट सजेशन भी मिला होगा कि अंडर 3000 में कौन सा क्वाड स्केट बेस्ट है, वो भी सजेशन मिला होगा। वैसे तो मैंने आपको बेस्ट क्वालिटी का स्केट बताने की कोशिश करी है अंडर 3000 में, लेकिन फिर भी अगर आपको पता हो कि इस प्राइस रेंज के अंदर में इससे भी बेस्ट क्वालिटी के कहीं पर मिलते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, ताकि मुझे भी पता चले और जब नेक्स्ट टाइम मैं इस टाइप की वीडियो बनाऊँ तो लोगों तक सही सजेशन जा सके। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कहीं और स्केटिंग करते हुए, ब्लॉगिंग करते हुए या फिर इसी तरह से आपके लिए हेल्पफुल कंटेंट लाते हुए स्केटिंग रिलेटेड। तो बाय गाइस।